हेलो यूजर्स, अब हम देखते हैं आगे ब्लेंडर में टूल्स कैसे यूज करते हैं। जैसे ये क्यूब लिया हुआ है, हमें इसे डिलीट करना है। पहले डिलीट कर देते हैं, उसके बाद कर्सर पे लेके आओ शिफ्ट सी। उसके बाद मैं आज आपको यहाँ पे इमेज दिखाना चाहती हूँ कि इमेज कैसे लेके आते हैं। जैसे आपने इसको कर्सर पे लेके आए, उसके बाद शिफ्ट ए। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, हम ऑप्शन में जाएंगे एम्पिटी में। एम्पिटी के बाद इमेज में, यहाँ पे एक आप ऑप्शन देखोगे ये वाला, इसमें आप ओपन इमेज करोगे। आपकी इमेज कहीं भी रखी है, आप इसको ओपन कर लो। जैसे मेरी इमेज आ गई है, डेस्कटॉप पे थी। हम अपनी इमेज को सेव कर लेते हैं, रोटेट करते हैं। रोटेट एक्स वाई जेड जो भी आप करना चाहो। मेरी उल्टी हुई है, इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, अब आपको ये इमेज सभी व्यू में है, आप इसको बना सकते हैं। आपको जो भी जैसे भी आपको ये बनाना है, कि भी आप शिफ्ट ए से ये मैश में है, आप इनके थ्रू बना सकते हैं। और एक और तरीका है इमेज लेके आने का, जैसे कि यहाँ पे गए हम, यहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए एक है बैकग्राउंड इमेज का। हमने बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक किया, ऐड इमेज किया। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं इसमें, लेफ्ट राइट बैक व्यू फ्रंट व्यू इसका कोई भी। जैसे मैं राइट व्यू मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ओपन करेंगे इमेज डेस्कटॉप पे, और ये वाला पहले शिफ्ट सी, फिर इसको काट दो। ऐड व्यू में हम दिखाना चाहते हैं, जैसे राइट में ओपन इमेज डेस्कटॉप कर दिया। आपकी इमेज दिख रही है बिल्कुल साफ। थैंक यू यूजर्स, आप दो तरीके से इमेज लेके आ सकते हैं। आपकी गेम की एसेट्स बनाने के लिए इमेज बहुत ज़रूरी होती है। थैंक यू, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू यूजर्स।